तो दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि मेरे व्यूज कम आ रहे हैं, आपके व्यूज कम आ रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है यार यार मेरे व्यूज क्यों कम आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कम आ रहे हैं। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, अब बस 100 व्यूज आ रहे हैं यार, इतने कम क्यों, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद से। दोस्तों मैं बता दूँ आपको, ऐसे सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। अब खुद मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, टेक्निकल योगी सर का देखना, अब 24 घंटे के अंदर उनके 10,000 15,000 व्यूज आते हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी। अब मतलब मनोज देखो ले लो, मनोज देखा 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, आप देखोगे 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज कितने आते हैं, 1 लाख आता है। अब एवरेज आप मिला लो उसका कितना होगा, लगभग 1 लाख व्यूज, मतलब हो गया कि 5% व्यूज आता है उसके चैनल पे, 5% व्यूज आता है। टेक्निकल योगी सर का भी 10% व्यूज आता है। ऐसे में एक है और टेक है, मतलब नाम नहीं याद है उनका, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको। 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद उनके व्यूज कितना आते, 3K 4K 4,000 5,000 व्यूज आ रहे हैं भाई। अब कुछ सोच के देखो, तू ऐसा मत सोचो, आपके भी व्यूज आएंगे, लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि आपको जितने सब्सक्राइबर आते हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग नहीं देखते आपके वीडियो। हो सकता है गलत तरीके से आपके वीडियो पे आए हों और आपके मन में माइंडसेट बन गया होगा कि अरे यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो गलत तरीके से आए हो, तो क्यों देखेंगे आपकी वीडियो, नहीं देखेंगे वो, शायद उनको पसंद ही नहीं है। आप बोल दियोगे भाई सब्सक्राइब कर लो, आपके गांव वाले हो, आपके फ्रेंड हो, वो आपका वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, बस आपके मन में माइंडसेट बन गया है अरे यार मेरा वो सब्सक्राइबर है देखता ही नहीं है। तो उनको भूल जाओ ना कि वो सब्सक्राइबर, आप 500 मान के चलो। अगर आपके 1,000 में 100 व्यूज आते हैं ना, 10% आ रहा है ना, तो बहुत है, क्योंकि सबका 100% 50% व्यूज नहीं आता। अरे कोई कोई किस्मत साथ दे देता है तो वीडियो वायरल हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं, तो उसी से वो सब्सक्राइबर आते हैं। तो सभी लोग सभी का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, जैसे आप भी जानते हो कि बदलाव प्रकृति का नियम है, मतलब बदलता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मतलब पुराने यूट्यूबर हैं उनके जो सब्सक्राइबर हैं, वो जो नए नए यूट्यूबर हो रहे हैं उनके ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, जो उनसे अब मतलब आदमी बोर हो जाता है उनसे, तो क्या होता है नए नए यूट्यूबर पे शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे ही अभी देख लो वीके टेक्निकल भैया को, मान लो 40-45 हज़ार उनके सब्सक्राइबर हैं, 40-45 हज़ार होने के बाद भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं उनके, लगभग आराम से 24 घंटे में आ जाते हैं, लगभग 10 हज़ार के आसपास व्यूज आ जाते हैं। तो उसका बढ़िया एवरेज है, लगभग 25% के आसपास मतलब व्यूज आते हैं, तो बढ़िया है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है उनका, अच्छा आ रहा है, क्योंकि वो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी मतलब वो घर के प्रॉब्लम को देख के, मतलब उनके कंटेंट को देख के कि यार अच्छा बनाता है बंदा, तो इस चीज़ को देख के। तो ऐसे आपके साथ भी होगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर के जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके भी ऊपर आएंगे, क्योंकि जब उनसे वो बोर हो जाएंगे तो हमेशा व्यूअर नया खोजता है कि कौन अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो आप भी उसमें शामिल हो जाओगे, आपको भी सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो बस वेट करो, व्यूज के टेंशन मत लो, बस ये देखो कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो मतलब व्यूअर हैं, वो जेन्युइन आ रहे हैं कि नहीं। बस एक एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, बूंद बूंद से तालाब बढ़ जाता है दोस्तों, तो इसको भी होने दो, धीरे धीरे कुछ सीखने को मिलेगा बीच बीच में। एक बार में छलांग मारोगे आप ना, तो फिर उस कुछ सीख नहीं पाओगे बीच में कि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, यूट्यूब काम कैसे करती है। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही कर चलने दीजिए, बस काम चल रहा है, और वीडियो आप कंटिन्यू हमेशा बनाइए, व्यूज आएंगे अच्छे खासे, टेंशन मत लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।